क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आज अपने फिटनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं जिम जाने वाला हूँ, तो मैं सोचा था कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं क्या वर्कआउट करता हूँ। और उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा क्या रूटीन है। मेनली मैं ये चाहता हूँ कि ओवरऑल आपको बता दूँ कि मैं फिटनेस के लिए क्या करता हूँ, फिट रहने के लिए क्या करता हूँ, ताकि मैं ओवर वेट ना हूँ, थोड़े मसल्स वसल्स भी दिखे, कपड़े अच्छे लगे, उस टाइप का। मेरे लिए मुझे जिम जाना पसंद है, मुझे वर्कआउट करना पसंद है, वेट लिफ्टिंग करना पसंद है। तो मैं भाई वीक में 4-5 दिन जिम जाने का डिसीजन ले रखा है। बट अभी इस टाइम पे जहाँ पे मैं ये चैलेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे अक्टूबर के हर डे पे एक वीडियो बनाना है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है हर रोज़ जिम जाना। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीक में कम से कम 3-4 दिन जिम जाऊँ। एक्सरसाइज की बात करें तो 3 डेज रूटीन फॉलो करता हूँ मैं। फर्स्ट डे में तो लेग्स, ऑब्वियसली लेग्स के सारे वर्कआउट हो गए, जैसे क्वाड्स के हो गए, हैमस्ट्रिंग के हो गए और काप्स के हो गए। अपर बॉडी डे पे करता हूँ। अपर बॉडी के दिन सिर्फ चेस्ट और बैक करता हूँ, तो आप मान सकते हो इसको कि अब ये अपर बॉडी नहीं हो गया, ये चेस्ट एंड बैक हो गया। और थर्ड डे जब मैं जाता हूँ, जिसमें मैं आर्म्स करता हूँ और मिसलिनियस चीज़ें करता हूँ, तो मिसलिनियस चीज़ों में मेरा उस दिन मेरा मन किया तो मैं फोर आर्म्स कर लेता हूँ। तो टायरिंग डे नहीं होता, थोड़ा फन वाला डे होता है, थोड़ा मज़ा आता है उस दिन जिम जाने में। तो फर्स्ट डे तो बहुत मुश्किल होता है, सेकंड डे चेस्ट एंड बैक करना सबको पसंद है, और थर्ड डे बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि आर्म्स करना होता है, और बहुत ज़्यादा टायरिंग डे नहीं होता। आप जाते हो तो उतना ज़्यादा, जब मैं जाता हूँ तो इतना ज़्यादा थकता नहीं हूँ, इसलिए मैं ये रूटीन फॉलो करता हूँ। मैंने ध्यान दिया है कि जब मैं आर्म्स डे नहीं रखता था पहले, तो मेरे आर्म्स उतने अच्छे से ग्रो नहीं होते थे, और जब से मैंने आर्म्स डे रखा है, मेरे आर्म्स थोड़ा बेटर ग्रो हो रहे हैं। इसलिए मैं रूटीन में अपने आर्म्स डे रखना चाहता हूँ, और सिर्फ आर्म्स डे रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने उसमें शोल्डर और मिसलिनियस चीज़ें ऐड कर दी, जो भी बाकी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ वो उस दिन करता हूँ, जैसे एप्स हो गए, ट्रैप्स हो गया, ये सब चीज़ें मैं उस दिन करता हूँ। सेकेंड हम बात करते हैं खाने की, तो मैं दिन में मेनली दो ही बार खाता हूँ। अगर देखा जाए तो जो फुल मील हुआ वो मैं 2 ही बार करता हूँ, एक तो लंच और एक डिनर। डिनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अगर अच्छे से खाऊँ ना, मतलब अगर पेट भर के ना खाऊँ तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती भाई। मैं भूखा रहूँगा ना, मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मेरे लिए डिनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि शाम को हैवी नहीं खाना चाहिए, बट मुझे शाम को ही खा के नींद आती है, नहीं तो मैं भाई मुझे नींद नहीं आएगी। तो लंच में नॉर्मल, जब मैं ऑफिस में होता हूँ नॉर्मल लंच कर लेता हूँ, दाल चावल हो गया या कुछ भी इस टाइप का। अगर मैं यहाँ घर पे हूँ तो मैं खुद के लिए कुछ बना लेता हूँ, बट कभी पनीर सैंडविच बना लिया, कभी चिकन सैंडविच बना लिया, कभी फ्राइड राइस बना लिया, तो ये सब चीज़ें मैं खाता हूँ। 2 बजे लंच करता हूँ, बट 2 बजे तक मैं सुबह में एक प्रोटीन पीता हूँ। मुझे मिल्क वाली चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो दिन भर में 2 या 3 ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो दिन में मेबी शायद मैं सुबह सुबह एक पीऊँ, और फिर 2 लंच से पहले तक मैं मे बी शायद एक पी लूँ, या लंच के जस्ट बाद एक पीऊँ, एंड देन फिर शाम को जिम जाने से पहले पी लूँगा। तो अब हम चलते हैं जिम, और आज मेरा चेस्ट एंड बैक है 9 सेट्स करने का, चेस्ट के लिए और 9 सेट्स बैक के लिए। तो 9 to 12 सेट्स मैं करता हूँ किसी भी वर्कआउट का। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि जो वो 3 दिन हुआ कि लेग लोअर बॉडी कर लिया, अपर बॉडी कर लिया, और फिर आर्म्स और शोल्डर वाला डे कर लिया, उसके बाद मैं फिर वापस लेग पे आ जाता हूँ, और ऐसे ही चलता है। तो अगर मैं दिन हफ्ते में 6 दिन गया, तो मेरा 3 दिन 3 दिन ये सर्किट जो है, साइकिल जो है, ये 2 बार पूरा हो जाता है। अगर मैं वीक में 3 ही दिन गया तो 1 ही बार सर्कल पूरा होता है। डेज बाय नहीं रखता कि मैं मंडे को ये करूँगा, ट्यूसडे को ये करूँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी मंडे को नहीं गया जिम तो फिर मेरा वो बॉडी पार्ट मिस हो जाए, तो ऐसे नहीं करता मैं जिस दिन जाऊँगा, जो मैंने लास्ट किया था उसके नेक्स्ट डे वाला करूँगा, तो मैं कोई बॉडी पार्ट मिस नहीं करता। अगर आज लेग डे है, अगर आज मेरा लेग डे और आज मिस करूँगा तो मेरा कल भी लेग डे होगा, अगर कल मिस किया तो मेरा परसों भी लेग डे होगा। जब तक मैं उस लेग डे को ख़त्म ना करूँ तब तक मेरा लेग डे होगा। बैक कोल्ड ऑन करने से पहले मैं थोड़ा बहुत वार्म अप भी कर दिया था कोल्ड ऑन पे ही, एंड हल्के वेट से एक तो वार्म अप इसको भी कर दिया है अभी, और 15 से करूँगा, फिर 20 से करूँगा, 25 से करूँगा, फिर 30 करूँगा, फिर अपना वर्किंग करूँगा। ज़्यादा लग रहा था, मैं 30 kg उठा सकता हूँ इंक्लाइन बेंच प्रेस पे, तो 30 kg आज नहीं। कभी कभी ऐसा दिन आता है आपके साथ कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, आई गेस आज पर वो दिन है।
सेट का भी हो गया, 3 सेट किया मैंने उसका। अब देखिए चेस्ट का स्लाइस नहीं करना है ना, बिंग स्लाइस, क्योंकि स्लाइस हम हाथ स्ट्रेच करके करते हैं। मैं पुश भी करने वाला हूँ, केबल से पुश करना वाला हूँ थोड़ा डाउन साइड में, गेरा ऊपर से क्लिक करनी है नीचे की साइड। आई गेस मैन 8 या 10 सेट, 8 या 10 रेप्स की याद नहीं है कुछ, वीडियो देखो पास लेगा केबल पुल ओवर। टेन फिफ्टी ओन वाला 10 मिनट बचा हुआ है, 11 बजे जिम बंद जाता है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसके 3 सेट करूँगा, 1 होके 2 और करनी है और फ्लाइज के भी 2 या 3, देखता हूँ कितना टाइम उसके हिसाब से। अब मैं वेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट फ्लाइज पे जा रहा हूँ अभी मैं। वर्कआउट डन, पूरा खाली है, काफ़ी लेट हो गया, अब हालत ख़राब हो रही है। काफ़ी अच्छा गया वर्कआउट, रिकॉर्ड करने की वजह से लास्ट में टाइम थोड़ा कम बचा। ओवरऑल वर्कआउट सही था सारा, मुझे इस वीडियो को एडिट करना है तो अभी मैं नहाऊंगा नहीं, क्योंकि 11:15 ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांसफ़र करने में भी टाइम लगता है, तो 1 घंटे में होपफुली एडिट हो जाएगा। और अक्टूबर में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ब्लॉग अक्टूबर कर रहा हूँ जिसमें हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, मैंने अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाई हैं, ये फिटनेस पे था, बाकी सारा मेरा फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग पे होता है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। कल मैं जो ब्लैक मैजिक ऐप है, अगर आपने सुना होगा, फिल्म मेकिंग में हो तो आपने सुना ही होगा, ब्लैक मैजिक का जो कैमरा ऐप है उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, बट सब्सक्राइब कर लो अगर आप इन सब फिल्म मेकिंग और वीडियो क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो।